तो ये रहा जिनों का, ये क्या नाम है इसका, रोजा। और जिन्होंने बताते हैं एक रात में बना के खड़ा कर दिया था इसे। ये देखो पेड़ पर किसी ने घर बना लिया, क्या फीलिंग आती होगी भाई। तो गाइस ये गौशाला ना बढ़ के ये देखो वहाँ तक पहुँच गया। ये देखो गाय, ये देखो खुले में भी बंधी हुई हैं। ये देखो फाइनली अपनी छतरी कंप्लीट हो चुकी है कस के। ये छोटी बहुत है, मिनी छतरी है, लेकिन है प्रीमियम, महंगी है। अब इसमें हमें ये पोर्ट लगानी है इसमें, तो इसके लिए जलानी पड़ेगी, वैसे तो नहीं लग सकती है। तो फाइनली टीवी स्टार्ट हो चुकी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वॉर्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोपहर के 12 बजने वाले हैं, मात्र 2 मिनट रह गए। तो आज के भी ट्रैक की शुरुआत करते हैं। तो आज के ट्रैक की जो दूरी होगी वो 50 किलोमीटर होगी। आज मैं जाऊंगा कायमगंज पार करके। तो वहाँ जो जिंद बोलते हैं ना गांव में, वैसे जिन बोलते हैं, तो जिनका आज वो दिखाएंगे, किला दिखाएंगे चल के, उन्होंने बनाया था रातों रात। तो वहीं चल के पूरा एक्सप्लेन करते हैं, चलते हैं फिलहाल। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये सूर्य वापस क्यों जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको किसी ने नहीं रोक पाया, इसके मामा गया तो ये वापस घर जाएगा। है सूर्य, राइट हैंड साइड में जितना भी जंगल एरिया है, तो ये पहले सूत मिल हुआ करता था, फिलहाल अभी बंद है। और इसकी एरिया पता कितनी है, ये 1000 बीघा में है, मतलब 200 एकड़ में ये फैला हुआ है। फिलहाल ये बंद है। वैसे न्यूज में ये आ रहा है कि अब ये दोबारा से स्टार्ट हो सकता है, देखने वाली ये बात है कब तक स्टार्ट होता है। अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं कायमगंज की फेमस नर्सरी, मतलब इससे बड़ी नर्सरी कहीं नहीं है। ये देखो चारों तरफ पेड़ पौधों की नर्सरी लगी हुई है। तो कायमगंज क्रॉस कर चुके हैं और इधर देखो एक खेत मिला, इधर केले की खेती बहुत ज्यादा होती है। देखो पूरे खेत में केले केले ही है। ये देखो इधर एक और खेत है, लेकिन ये देखो इस खेत में कहीं कहीं छोटे छोटे केले हैं, ये शायद खराब हो गए होंगे। तो ये देखो थोड़े बड़े होंगे फिर केले लगेंगे, यही हम लोग खाते हैं फिर। तो ये रहा जिनों का, ये क्या नाम है इसका, रोजा। तो ये बिल्डिंग बनाई थी और जिन्होंने बताते हैं एक रात में बना के खड़ा कर दिया था इसे। अंदर क्या है इसके, अंदर कोई कब्र वगैरह दिख रही, बेस ही इसका काफी ऊंचा है। और ये बिल्डिंग लगभग 400-500 साल पुरानी है। और ये जो मकबरा है ना पूरा, इस पे भी पूरा विवाद चल रहा है। पहले बताते हैं, 1649 तक ये हिंदू धर्म का शिव मंदिर था। तो जो मुगल सम्राट थे तो उन्होंने शिवलिंग को हटा के, बताते हैं, यहाँ पे मकबरा बना दिया गया था। तो अभी न्यायालय में इसका चल रहा है, केस चल रहा है, तो देखते हैं कब तक क्लियर होता है, क्या होता है। ये देखो अंदर बहुत सी जगह है, इसमें अंदर बिल्कुल खाली खाली है स्पेस, मकबरे के अलावा कुछ नहीं है। ये देखो बेस इतना है, कमाल की बात है। तो जिन्होंने इसको बताते हैं कि एक ही रात में बना के खड़ा कर दिया। तो जिन्हों का एक रूल होता था कि अगर रात में वो अगर कुआं खोदे, जैसे उनको प्यास लगी तो कुआं भी खोद लेंगे और पानी भी पियेंगे उसका, या उनको कुछ रहने के लिए या कुछ ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसे करके मतलब बिल्डिंग भी बना देते हैं। लेकिन उनका एक रूल होता है, अगर आपने चक्की वक्की, अगर पहले चक्की होती थी ना हाथ वाली, अगर वो घुमा दी और उनको आवाज़ पता चली तो भाग जाते थे। तो ये इसको रोजा बोलते हैं, रसीद मियाँ का मकबरा भी बोलते हैं, पता नहीं क्या है। तो जो जिनों की बिल्डिंग थी तो यही है कुछ। तो इसका भी टूर कंप्लीट हो चुका है, तो अब फिलहाल हम निकलेंगे घर की तरफ, देखते कुछ और दिखाने लायक होगा तो उसका टूर कराएंगे। तो अभी हम लोग कायमगंज क्रॉस करके और पहुंचे हैं कायमगंज, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी हाउस। तो अभी हम लोग यहाँ समोसा खाने के लिए रुके हैं। ये देखो सूर्य लगा पड़ा है, बाइक पे रख के खा रहा है, मेरे पास भी एक है, एक सूर्य के पास। कैसा लग रहा है सूर्य? और ट्रेन कै बजे आती है? 6 बजे आती है। अभी कितने बजे? अभी कितने बजे? पता नहीं, 2 बज गए। ठीक, यहाँ पे ये देखो भट्टा है और ये देखो कच्ची ईंटें ऐसे करके पाथी जाती हैं, ऐसे बनाई जाती है, मिट्टी का ढेर लगा है ना, इन्हीं से बना के और फिर इसमें पकाते हैं। सो गाइस थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये देखो एक अजीब चीज मिली। ये देखो पेड़ पर किसी ने घर बना लिया, क्या फीलिंग आती होगी भाई। अल्टीमेट ऐसे एडवेंचर करने मुझे भी मजा आता है। तो पहुंच चुके हैं गौशाला, ये सराय के जस्ट पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं। ये देखो गाय बंधी हुई है, धूप ले रही भी सभी। ये देखो पास से देखो, ये देखो तालाब बना हुआ है, इसमें पानी वगैरह पीते होंगे, लेकिन ये पानी बहुत खराब हो गया है। ये देखो चार और बंधी हुई है,
इधर ट्रैक्टर की धुलाई चल रही है और ये बाइक पर बैठा हुआ है सूर्या। ये देखो गायों के लिए ये भूसा पड़ा हुआ है। तो गाइस ये गौशाला ना बढ़ के ये देखो वहां तक पहुंच गया। ये देखो गाय, ये देखो खुले में भी बंधी हुई है। ये देखो वहां तक, वो उधर तक। और ये कुछ खाने के लिए प्यार वगैरह पड़ा हुआ है, धान का पुआल होता है ना भाई। ये कुछ पुआल के हमें और ढेर मिले हैं, ये पता नहीं गांव वालों के हैं कि गौशाला के ही हैं। ये हम एंट्री करते हुए सरायगत में, अब यहाँ से चार या तीन किलोमीटर और रह गया गांव। तो आज हम देखो मार्केट से क्या क्या लेके आए। ये देखो एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके आए और ये देखो छतरी लेके आए, मतलब एंटीना जो होता है ना डिस्क का। और ये इसकी फिटिंग रही, बिकॉज मेरे पास LED है, चलती नहीं है, बिकॉज ये ख़राब हो गई थी, गल गई थी, तो इसकी भी ज़रूरत है। ये हम पहुँच गए गांव में। चलो भाई फाइनली घर आ चुके हैं, अब अमित आ जाए नदी से, उसके बाद असेंबल करते हैं जो भी वो एंटीना वगैरह ना छतरी ऊपर लगेगी TTS के लिए। चलिए भाई छतरी असेंबल हो चुकी है और ये देखो LNB भी लगा दी है। छतरी के साथ जो बाकी पार्ट आए थे उनकी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये देखो यहाँ पे अड्डा बना हुआ है, उसमें पाइप पहले से ही फिट है, तो ये ऐसे करके लग जाएगी और कस जाएगी। फाइनली अपनी छतरी कंप्लीट हो चुकी है कस के। ये छोटी बहुत है, मिनी छतरी है, लेकिन है प्रीमियम, महंगी है। इससे बड़ी बड़ी थी वो इससे सस्ती आ रही थी। अब इसमें केबल लगाना बाकी रह गई, ये रही केबल। चाकू वाकू कुछ लेके आओ, ठीक है, इसका नया वायर निकालना पड़ेगा। ये देखो ये टूट भी गया, जंग आ गई थी, इसमें लगाना पड़ेगा ऐसे करके। अब इसमें हमें ये पोर्ट लगानी है इसमें, तो इसके लिए जलानी पड़ेगी, वैसे तो नहीं लग सकती है। चलो अपने पास माचिस है, थोड़ी थोड़ी मुलायम हो जाए बस, पोर्ट आराम से चला जाए। वो चल गई ना, लीड खराब होने वाली है। चलो भाई लग गया, चलो ये बांध दिया है, अब इसमें लगाते हैं, बस उधर लगा देंगे नीचे उसमें डिवाइस में, रिसीवर जो होता है ना, स्टार्ट हो जाएगी अपनी LED। लग गया बस। तो फाइनली TV स्टार्ट हो चुकी है। चलो देखो, ये देखो देखने वाले भी आ गए।